11 केवी का डेड एंड भरने का सबसे बढ़िया तरीका, स्पैन की वायर को हमने डेड एंड के आइकॉन साइड में डाला, ठीक है। उसके बाद ये नट बोल्ट टाइट करेंगे, कर ये नट बोल्ट को टाइट किया। इसमें पैकिंग स्लीव अंदर से डाली हुई है जो कि कंडक्टर को पकड़े हुए रखेगी। इसको हम ऑटोमेटिक क्लंप बोलते हैं और अपनी देसी भाषा में इसको बांक भी बोलते हैं। इस हिसाब से डेड एंड भरने पर हमारा क्रीपेज डिस्टेंस जो है वो एक्यूरेट रहता है। और ये जो एक गलत तरीके से भरा है, ये हमारा क्रीपेज डिस्टेंस जो है इससे कम हो जाता है। ये गलत है और ये भी गलत है। अब इसको हल्का सा एक वायर खोल के इसमें बाइंडिंग कर दी और बाइंडिंग करने के बाद इसको जो है हल्का सा लूज दे देंगे। दे लूज दे। ये हमारी हल्की सी बाइंडिंग हो गई है, अब इसको लूज दे सकते हैं आराम से। और ये थोड़ा भी आगे नहीं घिसकेगा। ये हो गया डेड एंड भरने का तरीका।